वंस अगेन बैक विद अनदर वीडियो। सो आज हम जा रहे हमारे वन एंड ओनली जुबिन गर्ग सर से मिलने, एक गाने का शूट रिलेटेड हमारे मूवी का बिहू एटिक मूवी के लिए एक गाना हमारे जुबिन गर्ग सर हमारे लिए दे रहे हैं, हमें डेडिकेट कर रहे हैं, पूरे आसाम को डेडिकेट कर रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं उन्हीं के पास, उन्हीं के स्टूडियो, और उन्हीं का साथ हमारे गाने का शूट होने वाला है गाइज। ओके, सो स्टे ट्यून, उनसे भी मिलाता हूँ। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ, किनका साथ यह सफ़र चल रहा है हमारा घर से निकलते हुए, मैं उनसे भी आपसे एक बार मिला लेता हूँ। सबसे पहले मैं मिलाना चाहूँगा हमारे HOD नन अदर देन मिस्टर प्रबीर कंत शाह जी, विथ ऑनर्ड एंड रेस्पेक्ट मिस्टर कबीर कंत शाह जी। वो थोड़ा आप लोगों को कुछ तो बोलेंगे, काइंडली सुनना विदाउट स्किप। ओके गाइज, चलो फिल्म प्रोडक्शन हाउस के वन एंड ओनली प्रोड्यूसर सर है हमारे, सो प्लीज उनसे एक बार इंट्रोड्यूस हो जाइए आप सब, और आने वाला दिनों में बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है आप सभी के लिए गाइज। ओके, सो मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ काइंडली। हेलो भाई, कुछ आपका मुँह से सुनना चाहते हैं हमारे लोग दर्शकों, तो क्या ऐड करना चाहते हो आज के सुनहरा मौके में? सबसे पहले तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे रहेंगे, कुशल मंगल रहेंगे। मेरी दुआ हमेशा सबके लिए रहता है कि सब लोग अच्छा रहे। आज हमारा बिहू अटैक का ये तीसरा सॉन्ग है जो जुबिन गर्ग के साथ में आज रिकॉर्डिंग होने जा रहा है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो और ये असम को रिप्रेजेंटेड करते हैं, जिसमें ये फोक सॉन्ग है और इसमें एसामीस, कार्बी, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश सारे भाषाएं मिक्स हैं। तो ये बहुत अच्छी सॉन्ग है, जब रिलीज होगा, जब आएगा थिएटर में, तो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा कि यूनिक सॉन्ग है ये, कुछ अलग ही हटके सॉन्ग है। और मैं हमेशा चाहता हूँ कोई अलग करूँ, कुछ हटके करूँ, तो ये भी सॉन्ग ऐसा है। इस महीने के लिए हम साल भर से इस गाने के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो साल भर जाके आज तो रेडी हुआ, तो आज फाइनली रिकॉर्डिंग होने जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और हमारा PKS के लिए भी बहुत गौरव की बात है। एब्सोल्युटली, हम आसाम की सारे चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि बिहू हो गया, कार्बी हो गया, तो सारे चीज़ को हम कल्चर को लेके इस मूवी को बना रहे हैं। और ये आर्मी बेस्ड मूवी है, आप लोग जरूर देखना उसको। और इसमें मज़ा आएगा देखने के लिए, ये अलग ही है, यूनिक मूवी है और ये असम से बन रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई बॉलीवुड वाला असम में आके शूट कर रहा है और असम का प्रोडक्शन हाउस। तो आप लोग देखिए, एंजॉय करें। एब्सोल्युटली भाई, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर ऑनरेबल स्पीच। ऑनर्ड, लाइक जो भी सुनेंगे दे विल बी ऑनर्ड फॉर दिस, एंड अपकमिंग जो भी प्रोजेक्ट होगा तो ये बड़े काम आने वाले हैं हमारे, आपको पता है ना गाइस, क्योंकि प्रोड्यूसर इज द राइट ऑलवेज। कौन राइट होता है? प्रोड्यूसर। ओके, सो आई विल इंट्रोड्यूस अनदर वन, मेरा सुब्रत भाई है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन टीम से भी है, सो उनसे भी थोड़ा कुछ हाई हेलो कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई? हाँ भाई, बढ़िया बढ़िया हो एकदम। खाना पीना हुआ? खाना पीना। ओके ओके, और यहाँ पे हमारे पास ना एक लवेबल बॉय है जो हमेशा प्यार में डूबा हुआ रहता है, वो नजर नहीं आ रहा है कहीं तो वो, हाँ ये देखो, ये फोन पे लगा हुआ है। चलो उसको स्किप करते हैं अभी के लिए, बाद में दिखा तो जब वो फ्री हो जाएगा। और एक बंदे से मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ, हमारे आज के पायलट है बेसिकली, तो पायलट जी से जरूर मिलो आप। ओके पायलट, हाँ भाई, केयरफुली करते हुए कुछ दो चार बातें बोल सकते हो आप? भाई बिल्कुल, सबसे पहले तो भाई हाय एवरीवन, आप लोग कैसे? नहीं होगा तो ये कमरुल भाई भी नहीं रहेगा सबसे पहले। और PKS के लिए सब लोग भाई, मैं इतना ही कहूँगा कि अपना PKS जो है अपना प्रोड्यूसर, लॉन्ग लिव, PKS जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, और मैं कॉमेडियन हूँ छोटा सा, बस सर के साथ रह रहा हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा भाई, आप लोगों की दुआ साथ में रहना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर रीडिंग लाइक आपका वैल्यूएबल वर्ड्स, थैंक यू।
अभी हमारा दूसरा पड़ाव यानी दूसरा टोल गेट, घर से निकाल के दो टोल गेट ऑलरेडी अभी एक क्रॉस कर चुके, दूसरा वाला अभी क्रॉस करने वाले जस्ट लाइक 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस एज ऑफ नाउ। और यहाँ पे हम आज विदाउट टोल दे के जाने वाले, नो पैसा एट ऑल। ओके लेट्स सी हम जा पाते हैं कि नहीं। कमरुल भाई ये कंप्लीट आप पे मनसर है। ओके कितना वरदान रहता है टोल गेट पास होने में। ये आ गया हमारा दूसरा वो टोल गेट जो सामने ही है आपके ठीक आंखों के सामने दिख रहा है, और हम जा रहे हैं अभी रोहा टोल गेट क्रॉस करते हुए साइड लेन से, जहाँ से बेसिकली जा नहीं सकते, पैसा देना पड़ता है। तो देखते हैं हमारा भाई क्या हो पाता है यहाँ से। थैंक यू। क्या बात है कमरुल भाई, क्या हो गया, क्या हालात बदल गया, जज्बात बदल गया, पानी आ गया, गमछा नहीं खोल गया। क्या खोल गया? गमछा खोल गया मेरा भैया, इसका गमछा खोल गया गाइस, सुन लो इसका गमछा खोल गया। चड्डी पहना है कि नहीं पहना है? चड्डी तो है भाई, गमछा खोल गया मेरा। अंदर चड्डी है कि नहीं है वो बोलो? चड्डी है। चलो फिर ठीक है, बताना पड़ेगा। छेद कितना है उसमें? होगा पीछे से दो, आगे से भाई देख लो, छेद दो है इसका चड्डी में। मंजिल से थोड़ा ही दूर और से ये लास्ट वाला टोल है जो गुवाहाटी पहुंचने से पहले सोनापुर में आता है, वो हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। लाइक हियर इज अ टोल एंड वी आर क्रॉसिंग नाउ, उसके बाद सीधा अपना जुबिंदा का स्टूडियो में मिलेंगे। ओके आपका सपोर्ट से हम आगे जाने वाले हैं, तो आप सपोर्ट करो। और हमारा गाना इश्क सूफियाना जावेद अली सर का है, वो रिलीज होने वाला है बड़ा ही जल्दी, है ना भाई? टी सीरीज में आने वाला है। क्या कहते हो वो गाने के बारे में? वो गाना तो क्या है, सुनने का बाद क्या फील आता है, अब जल्दी आ रहा है ना भाई, बोल रहा है जल्दी। हमने ऑलरेडी सुन लिया, हमने ऑलरेडी सुन लिया, आपको भी सुनना है इश्क सूफियाना, इट्स लाइक दिस काइंड ऑफ। ओके सो वेट स्टे ट्यून, वो गाना भी जल्द रिलीज हो रहा है और ये नया गाना रिकॉर्ड होने जा रहा है, तो आप सबके सपोर्ट से हम तोड़ फोड़ आगे जाने वाले हैं। ओके गाइज सी यू। थोड़ा गाड़ी का क्या हाल भाई, इसीलिए कहता हूँ गाड़ी सबसे पहले सीट बेल्ट लगा के चलाओ और थोड़ा अच्छे से चलाओ। अपना भाई तो सीट बेल्ट लगा के चला रहा है, मैं चलते हैं ना, सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है, भले ही पीछे बैठो। मैं अभी स्किप करो क्योंकि हम स्लो चल रहे, सिटी में एंटर हो रहे इसीलिए, बट ये आपने अभी गाड़ी देखा ना, जो ये गाड़ी का हाल देखोगा इस, तो इसीलिए कभी भी अगर गाड़ी चलाते हो या बैठते हो फ्रंट रो पे स्पेशली, तो सीट बेल्ट लगा के बैठने का, क्योंकि देखो नहीं तो, क्योंकि आप अच्छे से चला रहे हो मालूम पड़ा पीछे से कोई आपको ठोक दिया, तो ये भी हो सकता है ना, तो इसीलिए कहता हूँ राइड सेफ ड्राइव सेफ ऑलवेज। ओके गुवाहाटी आ चुके हैं हम, और सिर्फ 7 किलोमीटर बचा है अपना जुबिंदा का स्टूडियो पहुंचने में गाइस, तो इंतजार खत्म हो रहा है अभी थोड़ा ना, ऐसे धीरे धीरे है। असम का लीगलिस्टिक असेंबली जहाँ पे सारे बड़े बड़े एमएलए लोग आके बैठ के को चलाने का रेजोल्यूशन लेते हैं, और हमारे ऑनरेबल सीएम भी यहीं पे आके उनका मीटिंग्स होता है, तो दिस वॉज द प्लेस इन गुवाहाटी। टी ऑक्शन सेंटर जहाँ पे ऑक्शन होता है सारे टी स्टेट्स का। ये मेरा फेवरेट टी स्टॉल है, जब भी आता हूँ ना यहाँ पे। चेयर्स चेयर्स चेयर्स। चाय की चुस्की में ऐसे नहीं आया ना, तब तक मज़ा नहीं आता ना भाई। ये देखो ये टिश्यू में क्यों पकड़ा है पता है, ज़्यादा हॉट है, लेकिन हाँ चाय का हम शौकीन तो ज़रूर है, बट ये ज़्यादा हॉट होने के कारण नहीं हो रहा। Congratulations once again to the Zara.
footage he wrote that. Yeah, 100% he has been.